झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही बाबूलाल मरांडी बनते हैं पूरे झारखंड में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कहा जाता है कि बाबूलाल अलग टाइप की राजनीति करते हैं, इसीलिए बाबूलाल जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं वो एक फैसला लेते हैं कि तमाम झारखंड में वो संकल्प यात्रा के माध्यम से वो भ्रमण करेंगे और तमाम विधानसभा में जाएंगे और जमीनी हकीकत को देखेंगे। इस हकीकत को देखने के लिए वो झारखंड में विभिन्न विधानसभाओं में जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, ये बोकारो विधानसभा की है, जहां तक आंखें जा रही है वहां तक झंडा है और जहां तक आंखें जा रही है वहां तक केवल लोग ही लोग हैं। मानो आज दुर्गा पूजा का मेला में आ गया हूं, लोग झंडे लेके सड़कों पे आ गए हैं और बाबूलाल के एक झलक पाने के लिए सड़कों पे खड़े हैं। कुछ ही देर में बाबूलाल मरांडी सभा स्थल पे आने वाले हैं और तमाम लोग चलकर बाबूलाल मरांडी से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इतने लंबे समय के बाद इस बोकारो स्टील सिटी में भारतीय जनता पार्टी का इतना झंडा क्यों दिख रहा है, इतने सारे लोग किसने लेके आया है और किसके नेतृत्व में ये लोग आए हैं। तो हम आपको बता दें कि आज से कई साल पहले रांची जब हम जा रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि बोकारो स्टील सिटी से 100 बस लेकर झारखंड विकास मोर्चा का एक युवा नेता जिसका नाम डॉक्टर प्रकाश था वो बाबूलाल मरांडी से मिलने के लिए रांची जाता है। लेकिन जैसे ही सत्ता समय बदलता है और बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो डॉक्टर प्रकाश भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में चले आते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रकाश जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या डॉक्टर प्रकाश को इस बार भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में कोई जगह मिल पाएगा, भारतीय जनता पार्टी क्या जिला में प्रकाश कोई पद मांगेंगे या बाबूलाल के नज़दीकी होने का मुनाफा ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रकाश ने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा लोग सोच रहे थे। डॉक्टर प्रकाश ने बोकारो जिले के तमाम प्रखंडों में पंचायतों में दौरा किया और तमाम लोगों से मिलने का काम किया जो वो जिस समय JVM में थे मिला करते थे। आज उसी का नज़ारा है कि जब डॉक्टर प्रकाश गांव-गांव जा रहे थे लोगों से मिल रहे थे, आज जब डॉक्टर प्रकाश ने आह्वान लगाई है तो बोकारो के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा इतना बड़ा जन हुजूम बुलाया गया है। केवल झंडे ही झंडे, बैनर ही बैनर दिख रहे हैं और बाबूलाल की सभा में जाने के लिए तमाम लोग बेचैन हैं। वो बाबूलाल की सभा में जाएंगे, बाबूलाल को सुनेंगे। हमारे साथ कई नेता हैं, कई लोग हैं, पहले इन लोगों से जानते हैं। कहाँ आए हैं? यहाँ आए हैं बाबूलाल, बाबूलाल जी से मिलने आए हैं। बाबूलाल जी मिलेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ तो वो कहेंगे, आएगा तो आपको बताएंगे। अच्छा, आप कुछ किसके नेतृत्व में आए हैं? आज जो ये जन सैलाब उबड़ा है, नजरुल भाई कैसा लग रहा है और कितने खुशी आपको हो रही है कि डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में ये जमावड़ा आपने लगा लिया है? हिमांशु जी, पहले सबसे पहले डीफोकस को बधाई देते हैं दिल से। ये डॉक्टर प्रकाश सिंह बोकारो विधानसभा में एक एक जनता का पुकार है कि हम लोग का विधायक हो तो डॉक्टर प्रकाश सिंह जैसे हो, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से कुछ नहीं पद पर है तो भी जनसभा के रूप में काम करते हैं और बाबूलाल मरांडी का हनुमान के रूप में रहते हैं, जो भी हम भी बाबूलाल मरांडी के लिए जान भी देते हैं। शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, चंदन क्यारी में जब कल सभाएं हो रही थी तो हम लोगों ने एक सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि क्या चंदन क्यारी का रिकॉर्ड टूटेगा? अब आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और ख़ासकर डॉक्टर प्रकाश के, अभी हम लोग रैली में मौजूद हैं जहाँ पर डॉक्टर प्रकाश ने एक बड़ा जमावड़ा किया है और यहाँ से वो जाएंगे, क्या लगता है कितना नंबर डॉक्टर प्रकाश को देंगे? नहीं, डॉक्टर प्रकाश ने आज बोकारो विधानसभा को कमलमय कर दिया। आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए, उकरीद मोड़ से लेके यहाँ पर जो पुलिस लाइन तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप वाले झंडे, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सभी लेकर खड़े हैं और ये डॉक्टर प्रकाश का ही करामात है। उनके प्रति लोगों का लगाव है कि सुबह से ही लोग भूखे प्यासे रहने के बावजूद कहे कि डॉक्टर प्रकाश ने बुलाया है और बाबूलाल मरांडी जी को जो अभी कमान मिली है भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में बोकारो के साथ साथ झारखंड की भी तस्वीर और तकदीर बदलेगी। और डॉक्टर प्रकाश ने आज वो करके दिखाया है और अब लगता है कि जो चंदन क्यारी में लोग उमड़े थे उसकी तुलना में डॉक्टर प्रकाश ने अकेले यहाँ पर जो हुजूम ला के खड़ा कर दिया है, तो अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम
यहाँ पर भी उसी तरह सफल होगा। इतने लोगों को बुला के लाए हैं नजरुल भाई आप लोग? 3000 प्लस लोगों को लाए हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, एक आवाज में 3000 लोग। अच्छा, कितने दिन से मेहनत कर रहे थे, प्रयास कितना सफल हुआ है? ये बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कुछ रंग लाया है। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हैं? सतनपुर से। सतनपुर से, हाँ। किनके बुलाटे पे आए हैं? डॉक्टर प्रकाश। हाँ, किनसे मिलना है? डॉक्टर प्रकाश से, बाबूलाल मरांडी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चा है, इनमें भी काफी उत्साह है, ये बाबूलाल से मिलने के लिए आए हैं। किनके नेतृत्व में आए हैं? डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में आए हैं, और बाबूलाल मरांडी का हाथ को मजबूत करके उसको सीएम बनाना है, बस इतना ही निवेदन है। अच्छा, घर से चले थे तो सोचा था कि इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिलेगा? नहीं नहीं सोचे थे, लेकिन क्या लगता है डॉक्टर प्रकाश के बुलाटे पे इतने सारे लोग चले आए? बिल्कुल, जो कि विश्वास है बाबूलाल मरांडी के ऊपर में हम लोगों को, जो आने वाला दिन में सीएम बनेंगे तो हम झारखंड का जो जितना भी दुख है, गरीब गुरबा है, सबको उन्होंने उद्धार करेंगे और करने वाले ही हैं, लेकिन भगवान करे सीएम वो बने। कौन से पंचायत से? हम हैं आपका दक्षिण गोड़ा वाली पंचायत से। गोलाबाड़ी में डॉक्टर प्रकाश गए थे? ये बिल्कुल गए थे, दो बार तीन बार गए थे। क्या कहा प्रकाश जी ने? हाँ, प्रकाश जी ने बहुत ऐसा हम लोगों को बताया गया कि महिलाओं का रोजगार, स्वरोजगार से लेकर लड़का का, मैंने जो भी अभी दिक्कत है हम लोग विस्थापित में, वो समस्या का दूर करने के लिए बात कहे हैं, और वो बात जो है बाबूलाल मरांडी से रखेंगे और रखे भी हैं, और आगे हम लोग को विश्वास है, भरोसा है कि काम होगा और आगे बहुत अच्छा होगा। तो सुना ना आपने इन महिलाओं को, देखिए फिरोज भाई भी है, फिरोज भाई उस दिन नाराज हो गए थे, कहा कि दहेज वाले मुद्दा ही हिमांशु भाई केवल पूछे आप। आज बताइए, आज डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में चल आए हैं, और कल ही आपके गुरुजी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है। देखिए हिमांशु जी, डी फोकस के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बोकारो विधानसभा में जितने भी कार्यकर्ता हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में, यहाँ और झारखंड के लाल, एक ही लाल, बाबूलाल मरांडी जी को इतने जनता आए हैं स्वागत करने के लिए, और हम लोग इससे आज ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में और भाग लेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस काफिले में सब मौजूद हैं, और सबका नारा एक ही है कि बाबूलाल मरांडी जी आने वाले समय में सीएम बने, सीएम बने। देखिए बाबूलाल को सीएम बनाने के लिए तमाम लोग बोकारो से चल कर आए हैं, और आज मानो भारतीय जनता पार्टी मय हो गया है। गाड़ी देखिए तो कमल छाप, सड़क पे जाइए तो झंडे कमल छाप, महिलाएं कमल छाप का झंडा लेके आई है, और जैसा कि आपको डॉक्टर शर्मा जी बता रहे थे कि इस मोड़ से लेके उस मोड़ तक खचाखच भीड़ है, और कई हजार लोग डॉक्टर प्रकाश ने आज सड़कों पे उतार दिया है। तो खुद प्रकाश जी से हम लोग प्रकाश डालते हैं कि प्रकाश जी, ये कौन सा प्रकाश आपने डाला कि दिन में ही अंधेरे दिखने लगे हैं कुछ नेताओं को? ये बाबूलाल मरांडी जी के प्रति लोगों का प्यार है, उन्होंने जो काम किया दो वर्ष मुख्यमंत्री काल में, उनके काम के माध्यम से लोग आए हैं, लोग जान गए हैं कि 2024 में बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और सारे गांव के लोग हमारे प्यार में नहीं, बाबूलाल मरांडी के प्यार में आए हैं। डॉक्टर प्रकाश को कितना मुनाफा हुआ है? डॉक्टर प्रकाश जो गांव-गांव जा रहे थे, पंचायत जा रहे थे, रात्रि में जो विश्राम किया था, वो विश्राम अब कैसा आपको लग रहा है कि रात खटिया पे सूता मच्छरदानी नहीं लगा पाए, बड़ा कष्ट हो रहा था? आपने कहा कि हिमांशु भाई काफी तकलीफ हो रहा है, तो वो तकलीफ जब ये भीड़ देखा, लोगों का जन सैलाब देखा, तो वो तकलीफ थोड़ी कम हुई है कि नहीं? देखिए हिमांशु भाई, तकलीफ हमारी तब कम होगी जब गांव की समस्या दूर होगी। हम गरीब गुरबा को शिक्षा देने निकले हैं, हम बाबूलाल मरांडी के चेला हैं, जो गरीब का बेटा है, जो साइकिल से यात्रा करता था, तो अब साइकिल यात्रा भी हम निकालेंगे, और जिस दिन मेरा गांव का बेटा कलेक्टर बन जाएगा, SP बन जाएगा, उस दिन हमारा तकलीफ दूर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि फटा पोस्टर निकला, हीरो पोस्टर बुआ है, पोस्टर में ही रह जाएगा, जन सैलाब रहा है, क्या लगता है उन लोगों को जवाब मिल जाएगा? हम हीरो नहीं हैं, हम गरीब जनता का आवाज हैं, और ये लोग सब मेरा भाई है, सब माए है, बहन है, आप किसी से पूछ लीजिए, हम इनकी बातों को लेकर जूझते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि अब 24 मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बनेंगे तो स्वतः इनकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपके आपके जो गुरुदेव हैं, कल चंदन क्यारी में उन्होंने भाषण दिया कि गरीबों का अनाज सरकार मार जाती है, और पूरे बोकारो विधानसभा में भी हाहाकार मचा हुआ है। गुरुदेव को कहेंगे स्टेज पे कि इन गरीबों का भी अनाज बोकारो में मारा जाता है? निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी करोड़ों रुपये लेकर अफसरों की पोस्टिंग कर रहे हैं, तो वो अफसर क्या करेंगे, गरीबों का ही ना खाएंगे? एक एक DC का
पोस्टिंग 5 करोड़ रुपया में हो रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा। हेमंत सोरेन अरबों एकड़ जमीन के भिराग में लगा हुआ है, नाम बदल बदल के जमीन ले रहा है। अच्छा प्रकाश जी, प्रकाश जी, कुर्सियाँ 2000 लगी है, 4000 आप ले आए हैं तो लोग कहाँ बैठेंगे? लोग बाबूलाल मरांडी के दिल में बैठेंगे। ये डॉक्टर प्रकाश है, ये दिल में बैठाएंगे, कुर्सियां में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि डॉक्टर प्रकाश ने कह दिया है कि कुर्सी मिले चाहे नहीं मिले, एक एक लोग बाबूलाल के दिल में है। तो दिल की चर्चा हो और रामलाल सोरेन की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सोरेन साहब कितनी रात जागे तो ये महफिल देख पा रहे हैं? ये दिल में रात में हम लोग जगे नहीं है, जितना जो है ना ये जितना देख रहे हैं भाई बहन जो आए हैं, ये बाबूलाल जी का दिल में है, ये लोग रहते हैं। बाबूलाल जी आ रहे हैं इस कुर्सी में और यहाँ पर नेतृत्व करता हमारे शिक्षाविद जो डॉक्टर प्रकाश सिंह जी है, उसका मेहनत का और ईमानदारी का। बाबूलाल जी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बाबूलाल से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बाबूलाल से मिलेंगे, हम लोग दिल से उसके दिल में है हम लोग। देखिए मैं आपको एक बार फिर से यह तस्वीरें दूर तक दिखाना चाहूंगा कि स्टेज में जो कुर्सियां लगी हुई है उस कुर्सियों से कई ज्यादा आबादी है यहां पर। जहां तक आंखें जा रही है भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और जहां तक आंखें जा रही है ग्रामीण लोग खड़े हैं, इस इंतजार में खड़े हैं कि कब बाबूलाल मरांडी स्टेज पे आएंगे। और जैसे ही स्टेज पे यह नारा गूंजेगा बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, तमाम लोग यहां से चलेंगे। आप देख ले जहां तक आपकी निगाहें जा रही होगी, महिला पुरुष बच्चे अपने घर से निकलकर करीबन 9 बजे डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में इस जगह पे आ गए हैं और घंटों से बाबूलाल मरांडी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश का जो पसीना बह रहा है वो पसीने का समय अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग टेंट के पास पहुंचे थे कई लोगों की चर्चाएं हो रही थी कि डॉक्टर प्रकाश कब अपने जन सैलाब को लेकर उतरेंगे। आखिर डॉक्टर प्रकाश कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं? यह तमाम लोगों की नजर इस पे है कि डॉक्टर प्रकाश आखिर कितने लोगों के साथ इस सभा में आएंगे, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश ने जो झंडा और बैनर लगाया है उसके बाद बोकारो की राजनीति गर्म हो गई है। अब यह गर्मी स्टेज पर जाने के बाद बाबूलाल मरांडी को कितना एहसास हो पाएगा यह तो समय बताएगा। अब डॉक्टर प्रकाश स्टेज के लिए ओर बढ़ रहे हैं और हम भी आपको उस सभा स्थल पर लेकर चल रहे हैं जहां पर बाबूलाल मरांडी आने वाले कि कान खोल कर सुन लो हेमंत सोरेन, कान खोल कर सुन लो, सिंहासन खाली करो, बाबूलाल मरांडी आने वाले हैं। और जैसे पूरब में उठकर पश्चिम में सवाल कर रहा हेमंत सोरेन जी, थोड़ा सा नीचे कीजिए उसको, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। हर जगह मुख्यमंत्री कैसा हो, हर कंध का एक किला बाबूलाल, बाबूलाल हर कंध का एक किला बाबूलाल, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।